फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ की लेंथ मैंने देखिए 14.5 इंच रखा है और यहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग 5.5 पे किया और 3 इंच की यहाँ से हम जो है गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। और मैंने मार्क कर दिया है, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए मार्क कर देंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन से इसको बराबर कर लेते हैं। मैंने बराबर में मार्किंग कर दी है। अब मैं गले का लेंथ लूँगी, तो मैं गले का लेंथ 10.5 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। तो मैंने गले की मार्किंग कर दी है। 1 इंच की गले में हम गोलाई करेंगे, तो 1 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से अच्छे तरीके से हम राउंड में मार्क कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल गले को देखिए राउंड में मार्किंग कर दी है। 1 इंच का हम साइड में एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। देख लीजिए मैं कैसे एक्स्ट्रा मार्किंग 1 इंच का कर रही हूँ, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम 1 इंच पे एक्स्ट्रा पूरा मार्किंग करते हैं। यहाँ से हम गले के बिल्कुल बराबर में इसको मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है पूरे गले की। अब इधर साइड से हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसका मार्क कर रहे हैं। तो आप वीडियो में देखिए आपको समझ में आ रहा हो कैसे मैं मार्क कर रही हूँ। और जहाँ से मैंने 3 इंच की चौड़ाई गले की दी थी, वहाँ से एक और निशान मैंने लगाया हुआ है। तो मैंने पूरा मार्किंग कर दी है। पहले हम जो राउंड में गले को मार्क किए, इसको हम कट कर देंगे, इसको साइड कर लेते हैं। और मैं अब इसको कट करूंगी। तो मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया बिल्कुल बराबर में, मैंने इसका भी गला देखिए कट कर रही हूँ, तो मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते गले की स्टिचिंग कर लीजिएगा। ये मेरा गला देखिए स्टिच हो चुका है। इस पर हम कट्स लगा लेते हैं पूरा। तो ये देखिए मैंने कट्स लगा दिया है पूरे गले पे। इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे और एक सिलाई लगा के पूरे गले को हम फिर से स्टिच कर लेते हैं। तो ये मैंने गले को स्टिच कर दिया है अच्छी तरीके से पूरा। अब ब्लाउज के ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दिया है। अब इसके साइड में हम ट्रक्स लगाएंगे नीचे के साइड से। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं ट्रक्स लगा लेती हूँ नीचे के साइड से। तो अच्छे तरीके से स्टिच करके ट्रक्स लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी। तो मैंने दोनों साइड से ट्रक्स लगा दिया है। अब मुझे नीचे के साइड से मैंने फैब्रिक जॉइंट कर दिया। इसको मैं डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज के साथ में जॉइंट करके स्टिच कर देंगे। तो मैंने स्टिच कर दिया है देखिए नीचे के साइड से पूरा। अब गले पे मुझे डिज़ाइन करना है, इसको मैं साइड कर लेती हूँ। और ये मैंने देखिए जो अस्तर कट किया था उसके साइड में मैंने फैब्रिक जॉइंट कर दिया, क्योंकि मुझे स्टिचिंग में भी डालना है कुछ कपड़ा। तो ये मैंने देखिए पूरा कट कर दिया है और अच्छे तरीके से मार्किंग करके इसका भी कटिंग कर दी है। यहाँ से थोड़ा सा और लेंगे और इसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। जितना आपको स्टिचिंग में डालना हो उतना रखिएगा। अब मैंने इसके फैब्रिक भी ले लिया ब्लाउज़ का। दोनों को हम अच्छे तरीके से पहले नीचे के साइड से स्टिच कर देंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बता रही हूँ। मैंने नीचे के साइड से देखिए स्टिच कर दिया अच्छे से। अब यहाँ से पहले मैं कट्स लगा देती हूँ। दोनों साइड से अच्छे तरीके से कट्स लगा लीजिएगा। अब इसको पलट कर सीधा कर देते हैं। ये देखिए सीधा हो चुका है पूरा। अब पहले मैं इसके दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो एक एक अच्छे तरीके से पूरा हम सीधा करते हुए सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड से। एक साइड से देखिए मैंने कम्प्लीटली लगा दिया है, दूसरे साइड भी ऐसे लगा देते हैं सिलाई।
देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई कम्प्लीटली लगा दिया है। अब गले से हम स्टिच करेंगे, तो अस्तर को बिल्कुल बराबर करते हुए गले के साइड से स्टिच कर देंगे। तो मैंने गले को भी अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है, जो इसमें फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो मैंने फैब्रिक को अच्छे तरीके से कट करके निकाल दिया है। अब मैं अस्तर ले लेती हूँ, इसके बिल्कुल बराबर पे हम गले पे रख देते हैं और यहाँ से इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर करते हुए एक सिलाई लगा के चलिए हम स्टिच कर लेते हैं अस्तर को। ये देखिए मैंने अस्तर को ज्वाइंट कर दिया है। बीच से गले में से हम कट करके पहले अस्तर को निकाल देंगे और साइड से भी हम अस्तर को कटिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रखिएगा, जितना हमें नीचे के साइड फोल्ड करके रख करना है अस्तर को। अब यहाँ से हम गले पे पहले पहले हम गले पे कट्स लगाएंगे, छोटे छोटे पूरा कट्स लगा लीजिएगा, इससे हमारा अस्तर अच्छे से उलटेगा। तो मैंने देखिए पूरा कट्स लगा दिया है गले पे। अब इसको नीचे के साइड से अस्तर को हम नीचे के साइड पलटते हुए और एक सिलाई लगा के हम फिर से गले को स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैं कैसे इसको स्टिच कर रही हूँ पलटते, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। मैंने कम्प्लीटली बना दिया इसको। अब पूरा हम गले पे इसको बिल्कुल बराबर में रख देते हैं, अच्छे से बराबर कर लीजिएगा गले पे इसको। अब एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर देंगे गले के साथ में, अच्छे तरीके से पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली गले पे इसको ज्वाइंट करके स्टिच कर दिया है। अब मैं लैस ले लेती हूँ, पहले पूरे गले पे हम लैस को लगाएंगे। तो किस तरीके से मैं लैस को गले पे स्टिच करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से हॉफ करके लैस को लगाएंगे और यहाँ से हम कट कर देते हैं लैस को। अच्छे तरीके से पूरा लैस स्टिच कर लीजिएगा, मैंने स्टिच कर दिया है। लैस को यहाँ से कट कर देंगे और दूसरे साइड से भी बिल्कुल वहीं से हम लैस लगाते हुए स्टिच करेंगे इस साइड भी पूरा। इस साइड से भी लेस लगा दिया है। मैं देखिए गले जो डिज़ाइन मैंने स्टिच किया है ब्लाउज के साथ में, उस पर मैं लेस लगा रही हूँ। और इस पर किस तरीके से लेस लगाया जा रहा है आप वीडियो में देख लीजिए। सेम ऐसे ही आपको भी ये लेस स्टिच करना है डिज़ाइन पे। इस साइड से मैंने कम्प्लीटली लगा दिया है, सेम दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो दोनों साइड से लेस लग चुका है, अब गले पर हम लेस को स्टिच कर देते हैं। ये मैंने कम्प्लीटली देखिए गले पे किस तरीके से लैस को स्टिच किया है, आप वीडियो में देख लीजिए। तो मेरा लैस कम्प्लीटली लग चुका है पूरे गले पे। अब इसको डिज़ाइन को हम साइड रखेंगे। अब मैं ये बटरफ्लाई बनाऊंगी इससे। तो किस तरीके से मैं इसको बटरफ्लाई के रूप में बनाऊंगी आप वीडियो में देख लीजिए, ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो मैंने देखिए फैब्रिक को 4 पार्ट्स में फोल्ड करके और थोड़ा सा फैब्रिक हम कॉर्नर से कट कर रहे हैं, एकदम इसको राउंड में बना लेंगे। अब इसको बाद हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। और थोड़ा सा फैब्रिक साइड में छोड़ते हुए सिलाई लगाइएगा, क्योंकि हमें इसे पलट कर सीधा भी करना है। दोनों को इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो मैंने स्टिच देखिए कर लिया है दोनों को। अब मैं इसका बटरफ्लाई कैसे बनाया जाएगा वो दिखाऊँगी, इससे पहले हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से मैंने साइड में देखिए थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, अब वहीं से हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा हो चुका है, इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर देते हैं। ये मैंने दोनों कर लिया है सीधा बिल्कुल अच्छे से। अब इसका चलिए मैं इसके ऑल राउंड में स्टिचिंग करूँगी सिलाई लगा के। तो यहाँ से जो नीचे मैंने खोला हुआ था थोड़ा सा, उसको अंदर के साइड फोल्ड कर लीजिएगा, फिर पूरा हम सिलाई लगा देते हैं इसके साइड में। ये पूरा साइड में सिलाई लग चुकी है।
अब ये जो हमारा धागा है इसको हम निकाल देंगे कट करके। अब दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे, उसके भी जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था कपड़ा स्टिचिंग नहीं किया था उसको अंदर के साइड हम फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसके अराउंड स्टिचिंग कर देंगे एक सिलाई लगा के इसके। तो अच्छे तरीके से साइड में हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों को देखिए स्टिच कर दिया है साइड से। अब इसका जो मैंने देखी थ्रेड्स है उसको अच्छे से रिमूव कर दीजिएगा। अब इसका हम बटरफ्लाई बनाएंगे, तो बिल्कुल बराबर में दोनों को रख लेते हैं और यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और बीच से इसके हम एक धागे नीडल्स की सहायता से धागे में इसको हम किस तरीके से स्टिच कर रहे हैं आप वीडियो में देख लीजिए, ऐसे उसको भी हम बीच से बिल्कुल स्टिच करेंगे। अब धागे को अच्छे तरीके से हम खींच के बीच में बिल्कुल टाइट कर देंगे, ये देख लीजिए। अब यहाँ से हम एक मोती लगा लेते हैं गोल्डन कलर के, आप मोती बटन जो भी आपको लगाना आप लगा सकते हैं। अब मोती को अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा और नीचे के साइड से हम धागे को बांध लेते हैं। तो ये देख लीजिए, तो मेरी बटरफ्लाई देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली बन चुकी है, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है बटरफ्लाई। ऐसे आप बना लीजिएगा सब जितने आपको बनाने हो। तो मैंने ये ब्लाउज के ऊपर इसको स्टिच करेंगे, इसको हम यहाँ से ब्लाउज के ऊपर अच्छे तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे बटरफ्लाई को यहीं से फिक्स कर लिया है और मेरे डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दीजिए लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।